बताया था कि ये 7th में पढ़ते हैं और ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो ये अभी से इतने एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें। और उनके गाँव का नाम है, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करना है व्लॉग में। तो कैसे आप लोग आए हो, बढ़िया होंगे। और मैं हूँ अभी यहाँ गोला वाली रोड पे, तो अभी मैं जा रहा हूँ गोला नॉर्थ, वहाँ एक तिलक है वो भी हमें अटेंड करना है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ खुशी वर्मा ऑफिशियल से मिलने, देखते हैं वो मिलते हैं या फिर नहीं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि उनसे मिलने जाना है, तो आज यहाँ तिलक में भी जाना है, तो उनसे भी आज मिल लेंगे, मुलाकात हो जाएगी उनसे भी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। तो देखते हैं वो मिलते हैं या फिर नहीं। चलो अभी तो यहीं है, मैं और पापा हैं। पापा है, ये देखो यहाँ पे बाइक खड़ी है, तो चलो चलते हैं। हम लगभग आधी दूर आ गए हैं, हम लोग रास्ते पे ही हैं, थोड़ा दूर और बचा है। तो उनके घर गोला उग्रनाथ के पास ही में उनका गाँव है, वहीं रहती हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती हैं, देखते हैं क्या होगा। डर भी लग रहा है, तो चलो मिलते हैं, देखते हैं चलते हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, जा रहे हैं गोला उग्रनाथ की तरफ, वहीं पास ही में उनका गांव है, वहीं वो रहती हैं। तो चलो चलते हैं। और उनके गांव का नाम है परेली, तो गोला उग्रनाथ के पड़ोस में ही है, पास ही में है गांव वाला परेली, तो वहीं चल रहे हैं हम लोग। भाई साहब देखो ये लाही वाही कितनी अच्छी लग रही है, मस्त हरी भरी सब। और आज भाई ठंड भी बहुत है, कोहरा भी बहुत तेज पड़ रहा है, ठंड बहुत तेज़ लग रही है हाथों में। चलो भाई देखते हैं मिलती है या फिर नहीं मिलती हैं, वैसे होंगी यहीं पे बरेली में ही अपने घर पे ही। चलो देखते हैं भाई। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं गोला उग्रनाथ में, तो यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर उनका घर बचा है उसी वर्मा ऑफिसियल का, तो चलो चलते हैं उनके घर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं उनके घर पे, ये है उनका घर और ये उनके पापा जी। चलो देखते हैं। तो फाइनली हम हाँ। मिल चुके हैं दीदी, मैं बहुत दिन से आने जा रहा था, तो आज फाइनली मिल चुके हैं। क्या करते, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और पढ़ाई। 7th में हो ना? हाँ 7th क्लास में। एक्चुअली इन्होंने अभी वीडियो बनाया था इससे पहले, बट वो किसी रीज़न की वजह से बन नहीं पाया। तो इन्होंने बताया था कि ये 7th में पढ़ते हैं और ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो ये अभी से इतने एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें और इनको इतना मोटिवेट करें कि ये आगे बढ़ सके, तो इसलिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। लोग मिल लिए हैं दीदी से, तो बहुत ही अच्छा लगा मिलके, और बहुत ही मज़ा से आए हो, अच्छा स्वभाव है दीदी का। हम लोग मितौली से आए हैं, मितौली जानते हैं, गई हूँ मैं मितौली एक दो बार, वो स्कूल नहीं है वहाँ, नवोदय। हाँ नवोदय। हाँ तो बाकी बहुत ही अच्छा लगा। ये देखो भाई खुशी वर्मा ऑफिशियल के गांव में, तो यहाँ पे तालाब है और ये इधर मंदिर है। तालाब में पानी नहीं भरा है, भरा है मतलब ज़्यादा नहीं भरा है। तो भाई यहाँ सब हरा भरा है, सब यहाँ पेड़ पौधे सब अच्छे से लगे हैं। लाही दो कितनी मस्त लाही लगती है। और इनके गांव में ना शेर वापस से आ गया, आज देखा गया था इनके गांव में शेर, तो वहाँ जंगल है यहाँ पे, तो वहीं पर आज शेर भी देखा गया था। तो दोस्तों हम लोग उनसे मिल के आ चुके हैं खुशी वर्मा ऑफिशियल से, और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल के, और बहुत ही अच्छे स्वभाव की है वो, उनका पूरा परिवार बहुत ही अच्छा स्वभाव का है, तो बहुत ही मज़ा आया। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।